नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। ललितपुर में सुमेरा तालाब में एक महिला ने अपनी 8 माह की बच्ची के साथ छलांग लगा दी। घरेलू कलह के चलते पति से परेशान होकर ये कदम उठाया। मौके पर मौजूदा मंदिर के महंत ने आसपास के मौजूदा लोगों को इस बारे में जानकारी दी। फिलहाल महिला और उसकी 8 महीने की बच्ची को पानी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बाराबंकी सीजीएम कोर्ट में पेशी आज हुई है। मुख्तार अंसारी ऑनलाइन वर्चुअल तौर पर बाराबंकी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं एम्बुलेंस प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि मोहम्मद सुहेब मुजाहिद फरार चल रहा है। पुलिस लगातार मुजाहिद की तलाश में जुटी हुई है और कई जगह छापेमारी भी कर चुकी है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुए उपचुनाव में पड़े मतों की मतगणना आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। जनपद में कुल 320 पदों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें 5 प्रधान पद के 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य के जबकि 313 पद ग्राम पंचायत सदस्य के थे। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का काम शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मतगणना स्थल पर ही मौजूद हैं और साथ ही जिले के आला अधिकारी लगातार मतगणना स्थलों की निगरानी कर रहे थे। मतगणना का काम ब्लॉक की तहसीलों के सभागार में किया गया था। अम्बेडकर नगर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ओम प्रकाश के आवास पर 5 बदमाशों ने रात 11 बजे हमला कर दिया। गनीमत रही कि ओम प्रकाश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की है, घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। घायल गार्ड के मुताबिक बदमाश कोई कागज तलाश रहे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का आवास मौजूद है और परिसर में ही पुलिस चौकी भी मौजूद है। ऐसे में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। साथ ही परिसर में पुलिस के मौजूद होने के बाद भी ऐसी घटनाएं पुलिस पर कई सवाल खड़े करती हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड के बयान के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बदायूं में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हो गई, फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक युवक के पेट में गोली लग गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव की घटना बताई जा रही है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां सादत थाना क्षेत्र के हुरमुजपुर बनवा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने गोली मारने वाले आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाला युवक ब्रजेश चौहान अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान सादियाबाद क्षेत्र के कुतुबपुर बहरामपुर गाँव के रहने वाले सोनू गौड़ ने उसके सिर पर तमंचे से गोली मार दी। परिजन घायल युवक को स्थानीय CHC ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के पीछे गांव की ही एक युवती से जुड़ा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। ललितपुर में लड़की भगाने के शक में लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर देर रात दर्जनों लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। युवक युवती लगातार लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहे। चीख पुकार सुनकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को बचाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के पास तुवन चौराहे का ही पूरा मामला। सुल्तानपुर में जिला महिला अस्पताल एकाएक बरसात होने से तालाब में तब्दील हो गया है। अस्पताल परिसर में पानी भरा हुआ है। अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अस्पताल में पानी के निकास की सही व्यवस्था होने के कारण हर वर्ष बरसात में मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों को परिसर में पानी भर जाने की समस्या झेलनी पड़ती है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। लालगंज से मुख्यालय आते समय यह हादसा हुआ। HS द्वारा असला फैक्ट्री पर कार्रवाई का कवरेज कर वापस घर जाते समय की घटना है। नगर कोतवाली के वाराणसी लखनऊ हाईवे पर सुखपाल नगर के पास अर्धनग अवस्था में सुलभ पाया गया। चेहरे और सिर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। विगत दिनों प्रतापगढ़ में शराब माफियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान भी चलाया था, जिसका मीडिया ने बड़े लेवल पर कवरेज किया था। सुलभ श्रीवास्तव ने भी शराब माफियाओं के खिलाफ कई खबरें चलाई, जिस पर उन्हें कई जगहों से धमकी भी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी की थी और अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी। सुलभ श्रीवास्तव को स्थानीय लोगों ने जब घायल अवस्था में देखा तो उन्हीं के मोबाइल से मीडिया सहकर्मियों को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एडिशनल SP पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना लग रही है। फिलहाल पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही सुलभ श्रीवास्तव की मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा।
कौशाम्बी में पिकनिक मनाने गए पांच युवक यमुना नदी में डूब गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने चार युवकों को तो बचा लिया, पर एक युवक अभी भी लापता है। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार टीम गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है। सराय अकेल थाना के दिया बालूघाट की पूरी घटना। शिकोहाबाद नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4:30 बजे के करीब बिहार से पंजाब जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया भी जा रहा था कि बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी यात्री फिरोजाबाद रेफर कर दिया। लखनऊ वाराणसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की पटरी टूटी मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस महकमे भी हरकत में आ गया। जैसे तैसे मालगाड़ी को रोका गया। नगर कोतवाली के भुआपुर गांव की घटना। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सपा के जिलाध्यक्ष पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। लंबुआ इलाके के सनई रामपुर गांव में एक महिला दुर्गावती ने थाने में तहरीर दी कि उसके पेड़ सपा जिलाध्यक्ष और उनके परिजनों ने काट लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष समेत कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी ने बताया कि जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना जारी है। विवेचना के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के नेशनल हाईवे पर एएसपी फैक्ट्री परिसर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी समय लग गया। बमुश्किल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग किस वजह से लगी है इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन आग की वजह से बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। गनीमत यह रही कि इतनी बड़ी आग होने के बावजूद फैक्ट्री में किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है। बाराबंकी में अवैध शराब माफियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध कच्ची शराब के कारखानों पर टिकैत नगर पुलिस ने छापेमारी कर कारखाने को ध्वस्त किया। साथ ही मौके से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब और 900 लीटर लहन को भी नष्ट किया है। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने एक अवैध शराब बना रहे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य शख्स भागने में कामयाब रहे। जिले के माझागाड़ी गाँव का यह पूरा मामला। बलिया के रसाड़ा कोतवाली क्षेत्र गड़िया के पास रसाड़ा मऊ रोड पर अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। आपको बता दें कि मऊ से काल बनकर निकली ये कार मऊ की तरफ से रसला आ रही थी, जो अचानक रास्ते में अनियंत्रित होकर राहगीरों को रौंदती हुई खुद जाकर पेड़ से टकरा गई। इस पूरे मामले में कार ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने जिन्हें जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया है। वहीं वाहन छोड़कर भागने की फिराक में चालक था, तभी रसड़ा कोतवाली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। बाराबंकी में पहली बरसात में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। कई घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। घर के अंदर गृहस्थी का सारा सामान पानी में डूब चुका है। पानी निकास की उचित व्यवस्था होने के चलते घरों का ये हाल हुआ है। रेलवे स्टेशन मालगोदाम के पास इंजीनियरिंग पुल के आवासों का ये पूरा मामला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया गया। पार्टियों ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने 2 करोड़ रुपए में बिकी हुई जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर बड़ा घोटाला किया, और ये खरीद बेच की प्रक्रिया मात्र 10 मिनट के अंदर हुई है। मतलब जो जमीन चंद मिनटों पहले मात्र 2 करोड़ की थी, चंद मिनटों बाद ही वो जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। वहीं चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बोला है कि मुझे ऐसे आरोपों की चिंता नहीं है। आगरा में 100 फीट के गहरे बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद मौके पर पहुंची सेना की टीम द्वारा राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बोरवेल के समांतर करीब 100 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके पैरेलल एक सुरंग बनाई गई है, जिससे बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। सेना की टीम 2 जेसीबी की सहायता से एक पैरेलल गड्ढा खोदने में कामयाब रही और सकुशल बच्चे को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि बच्चे को समय समय पर ट्रेस किया जा रहा था, देखा जा रहा था, इसके साथ ही उसे ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था, खाने पीने की चीजें भी रस्सी के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी।
हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके के निवासी और हरदोई के एक निजी अस्पताल में तैनात ओटी टेक्नीशियन अंकित दीक्षित के सर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसी की कार में गांव के पास खून से लथपथ मिला। पुलिस ने कार से तमंचा, उसमें पसाखू का और एक कारतूस और मृतक के दो मोबाइल बरामद हुए हैं। परिजनों ने गाँव के ही प्रधान पति दुर्गेश अवस्थी और उनके भाई अवधेश उर्फ ललई पर हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि इन्हीं दोनों लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते उसकी हत्या की है। एसपी अजय कुमार का कहना है कि सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है, पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी निर्दोष प्रताड़ित नहीं होगा और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।